टाइगर 3 में दिखेगा प्रीतम दा के सुरों का जलवा। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रीतम दा जो है वो म्यूजिक करने वाले हैं टाइगर 3 का, और टाइगर 3 में हम सभी जानते हैं कि इमरान हाशमी, सलमान खान और कैटरीना कैफ की तिगड़ी है, और इन तीनों पर जब प्रीतम दा के सुरों का जलवा छा जाएगा तो फिर क्या ही कह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि टाइगर 3 इस मूवी के जो गाने हैं वो बड़े स्केल पर शूट करना ये डिसाइड किया है आदि यानी आदित्य चोपड़ा जी ने, और मैं आपको बता दूं कि अब ये डिसाइड करना बाकी है कि आखिरकार फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो कहाँ पर शूट होंगे। जैसे हम सभी को पता है कि कोविड की गाइडलाइंस जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए बहुत से जो शेड्यूल्स हैं वो स्क्रैप किए गए थे, और बाकी जो शूटिंग्स है वो मुंबई में YRF स्टूडियोज़ में ही हो रही है। तो अब ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं हम कि शूटिंग यहीं पर होगी या अब्रॉड होगी, पर जो भी होगा गाने जो है वो भाई एकदम मज़ेदार होने वाले हैं। आपको क्या कहना है बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। सलमान खान फैंस के बीच छिड़ गई है जंग। चलिए बताते हैं आपको क्यों और किस लिए, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान के फैंस जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनकी फिल्म राधे और मोस्ट वॉन्टेड भाई के लिए, और फाइनली ईद ही देने आ रहे हैं ईद के मौके पर यानी 13 मई को सलमान खान थिएटर्स में फिल्म राधे के साथ। दोस्तों आपको बता दूं कि राधे ये जो फिल्म है ये दो जगह पर रिलीज़ होने वाली है। एक तो थिएट्रिकल रिलीज़ है जो 13 मई को होने वाला है, और दूसरा है OTT रिलीज़। और जी स्टूडियोज़ जिनके पास ये राइट्स है, अब फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को जी स्टूडियोज़ कब रिलीज़ करेंगे ये उनके सामने है बड़ी चुनौती। अब आप बताइए कि आप कहाँ फिल्म को देखना पसंद करेंगे, थिएटर्स में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर? कमेंट करके बताइए। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान ने शेयर किया है एक डांसिंग वीडियो स्पेशल किड्स के साथ। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो जितना अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उससे कई ज्यादा वो अपने चैरिटेबल वर्क के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जो है वो हमेशा बच्चों के साथ जब भी वीडियो शेयर करते हैं तो वीडियो जरूर वायरल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है कल, जो मौका था यानी डाउन सिंड्रोम डे था, और डाउन सिंड्रोम डे के दिन डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे जो बच्चे हैं उनके साथ भाईजान ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर वो दिख रहे हैं, ग्रीन कलर का शर्ट पहना है उन्होंने, फॉर्मल पैंट्स पहनी है। फॉर्मल अवतार में भाईजान सलमान खान खिलखिलाकर हंस हंस कर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं डाउन सिंड्रोम किड्स के साथ। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बीना कागजी का है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उमंग, और उन्होंने ये वीडियो शेयर करके नीचे भाईजान ने लिखा था कि डांसिंग विद उमंग किड्स हैड ग्रेट फन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जब ऐसे वीडियो शेयर करते हैं तो ये बातें दिल को छू जाती है, पर ये वीडियो जो है ये देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। तो वीडियो देखकर आपको क्या लगा बताना ना भूलें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। फिल्म आदिपुरुष में जुड़ गया है और एक बड़ा नाम। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म आदिपुरुष में बड़े बड़े नाम तो ऑलरेडी है, पर उस बीच और एक नाम जुड़ गया है, और वो नाम है काजोल देवगन का। दोस्तों आपको बता दूं कि काजोल देवगन आखिरकार कौन सा किरदार निभाने वाली है ये तो नहीं पता चला है, पर सोर्सेस के माध्यम से ये जरूर पता चला है कि फिल्म में उनका बहुत ही अहम हिस्सा और एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि काजोल का नाम रेकमेंड किया था प्रभास ने, क्योंकि प्रभास उनके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि फिल्म में ऑलरेडी कृति सैनन आ गई है ऑन बोर्ड सीता का रोल निभाने के लिए,
तो वहीं पर प्रभास राम जी का रोल निभा रहे हैं, तो वहीं पर सैफ अली खान निभा रहे हैं रावण का रोल। अब इतनी बड़ी और प्रॉमिसिंग स्टार कास्ट तो ऑलरेडी है आदि पुरुष की, पर मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि काजोल देवगन जो है वो डायरेक्टर ओम राउत के साथ दूसरी बार कोलैबोरेट करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले तान्हाजी इस फिल्म में भी उन्होंने एक साथ काम किया था। अब ये देखना है कि काजोल जो है आखिर कौन सा किरदार निभाने वाली है और क्या लुक होने वाला है काजोल का। आप कितने एक्साइटेड हैं आदि पुरुष इस फिल्म के लिए बताना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। पारी हो रही है इस ट्रेंड में जुड़ा नया नाम, निकी तंबोली लेके आ रही है हम सभी के लिए एक नया म्यूजिक वीडियो। चलिए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुल्का चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि निकी तंबोली ने कुछ देर पहले ही अपने आने वाले गाने बर्थडे पारी का किया है फर्स्ट लुक शेयर। और बता दूं आपको कि इतने देर से सभी के चर्चे चल रहे थे कि आखिरकार निकी तंबोली क्या ही लेके आने वाले हैं, तो फाइनली निकी तंबोली ला रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो जो थोड़ा सा एक स्पिन ऑफ होने वाला है पारी हो रही है इस ट्रेंड का। जी दोस्तों, बर्थडे पारी इस गाने का नाम है और इसको डायरेक्ट किया है मुदस्सर खान ने। मैं आपको बता दूं कि गाना जो है उसका सिर्फ एक छोटा सा टीजर आउट हुआ है और पोस्टर के पीछे एक टीजर चला है और उसमें लिखा है कि ये है केक, ये है बर्थडे गिफ्ट्स और ये हमारी बर्थडे पावरी हो रही है। तो अब बर्थडे पावरी में चलने वाला है ये नया गाना। आपने अगर नहीं देखा है टीजर, मोशन टीजर, तो जाइए देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा है निकी तंबोली का ये स्पिन ऑफ अंदाज। बताना ना भूले। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ। भाईजान सलमान खान ने दी है ये सलाह कियारा आडवाणी को। चलिए जानते हैं कि भाईजान ने उनसे क्या कहा, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशल कचवान और आप सभी का स्वागत करती हूँ मूवीज अड्डा में। दोस्तों आपको बता दूं कि भाईजान सलमान खान जाने जाते हैं अपकमिंग एक्टर्स को सलाह देने के लिए और उसी के साथ साथ उनको एनकरेज करने के लिए भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुए इंटरव्यू में कियारा आडवाणी ने ये बात कही है कि भाईजान सलमान खान ने उनको एक बहुत ही बेहतरीन सी सलाह दी है और उन्होंने कहा कि सलमान सर ने मुझसे ये कहा है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहो, अपनी लगन से मेहनत करो और आपकी जो मेहनत है वही आपके काम से दिखेगी, आपको कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि इस सलाह को मैंने गांठ बांध लिया है और सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस करती हूँ। तो इस तरीके से सलमान खान ने उनको ये सलाह दी है कि आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ साथ ये भी बता दूँ आपको कि उनका असली नाम है, यानी कियारा का असली नाम है आलिया, और ये भी सलाह दी थी सलमान खान ने उनको कि आलिया तो ऑलरेडी है बॉलीवुड में, इसलिए आप अपना नाम भी चेंज कर लीजिए। और देखिए इस सलाह का कितना उपयोग हुआ है कियारा आडवाणी को। आपको क्या कहना है कियारा आडवाणी के बारे में और इस सलाह के बारे में जो भाईजान ने उनको दी है, बताइए इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं हूं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।